नालागढ़ नगर परिषद की मासिक बैठक नालागढ़ परिषद की मीटिंग हॉल में आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता नगर परिषद अध्यक्ष नीरू शर्मा ने की। बैठक में नगर परिषद की अध्यक्ष नीरू कुल्लर व नगर परिषद पवन कुमार पम्मा, महेश गौतम, मनोज वर्मा, अलका वर्मा सहित सभी पार्षदों ने भाग लिया। बैठक में नालागढ़ में चल रहे विकास कार्यों पर चर्चा की गई। नगर परिषद की अध्यक्ष नीरू शर्मा ने जानकारी देते हुए कहा कि बैठक में प्रस्ताव पास हुआ जिन लोगों ने नगर परिषद की दुकानों के किराए के रूप में लाखों रुपए दबा रखे हैं, उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। विकास कार्यों में हमारी जो मीटिंग होती है हम जो रूटीन में करते हैं उसमें जैसे भवन निर्माण के लिए नक्शे आते हैं उनको स्वीकृत करते हैं, फिर आय व्यय का ब्यौरा रहता है और जो है हमारे जो पेंशन है डिफरेंट गरीबों के लिए विधवा पेंशन सारे समाज के वीकर सेक्शन उनके लिए उनको हम उसके रेजोल्यूशन डालते हैं जिससे उन लोगों को सुविधा मिल सके। और जो है मेन जो हमारा मुद्दा था जो कई हमारे दुकानदार हैं जो हमारा किराया नहीं दे रहे हैं, लाखों रुपया ऐसा हमारा दुकानदार पड़ा हुआ है पेंडिंग, उसके लिए आज हमने ये भी किया है कि इन लोगों के विरुद्ध जो है कार्रवाई की जाए जिससे जो हमारा नगर परिषद का पैसा है जो लोगों के पास फंसा हुआ है वो आए और उसका उस पैसे को हम अपने विकास कार्यों में लगा सकें, क्योंकि ये लोग अपनी तो आए इनको हो रही है ये दुकानें लेके बैठे हैं, इनको अपना बिजनेस तो कर रहे हैं परंतु किराया नहीं देते, ये सबसे बड़ी मुश्किल है। उन लोगों को भी सोचना चाहिए कि आपको जब सुविधा मिली है तो आप इतने लोग बेरोजगार हैं गरीब हैं जो इन चीज़ों से वंचित है और ये लोग अच्छा बिजनेस कर रहे हैं फिर भी ये किराया नहीं देते तो इससे बड़ा गुनाह कुछ नहीं हो सकता, तो हम इसके विरुद्ध तो कार्रवाई करेंगे। और बाकी हमारी जो कार्य रुके हुए हैं विकास कार्य उन पर क्या क्या हमने करना है क्या कार्रवाई करनी है उसके लिए हम जो उसको डिस्कस करेंगे वो काम शीघ्र लग सके, उनमें कोई अगर कोई बाधा है या कोई कानूनी अड़चन है उसको पूरा करके हम उन कार्यों को आगे लेके जाएंगे। तो मैडम पिछले दिनों में जो पुराने थाने में कुछ बना हुआ हमारा उसका भी कुछ लोगों में चर्चा थी कि वो काम क्यों रोका हुआ जो मार्केट बननी थी। मेरे को तो अध्यक्ष बने अभी 2 महीने हुए हैं जी, उससे पहले का एक साल पहले का ये कार्य दिया हुआ था इस ठेकेदार को, परंतु कुछ उस ठेकेदार ने या इनकी थोड़ी सी कोई गलती के कारण वो कार्य नहीं हो सका, क्योंकि उसका अमाउंट ज़्यादा है, उसको हमने डायरेक्टर को लेटर भेजा है, उससे वहाँ पर जाके उसकी नेगोशिएशन होती है डायरेक्टर से जब जो कोई कार्य बड़ा होता है, तो हमने वो लेटर भेज दिया है और जल्दी ही जेई साहब जाएंगे, उसका हमने रेजोल्यूशन डाल दिया कि जेई साहब जाएं और उसको करवा के जल्दी आएं जिससे वो कार्य शुरू हो सके। हमने हर वार्ड में विकास कार्यों पर हम ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो हम हर विकास जैसे हम किसी भी गली का अगर कोई टूटी हुई है या कोई पुल बनना है या कोई और काम होना है उस पर हम डिस्कस कर रहे थे कि जो काम जल्दी शीघ्र चाहिए उन पर हम जल्दी शुरू कर सकें और बाकी कार्यों को उसी रूटीन में करें कि लोगों को असुविधा ना हो। और मैंने जब से अपना कार्य का संभाला है मैंने कई बड़े कार्य शुरू किए हैं, जैसे कि हमारी गौशाला का काम है वो बहुत देर से रुका हुआ था, लगभग 2 साल पहले उसकी जो शिलान्यास रखा गया था परंतु वो कार्य नहीं हुआ था, वो भी अब लगभग 15-20 दिन में तैयार हो जाएगी। उसके बाद हमारा एक पुल था शिव जी के मंदिर पर जो चोए वाला मंदिर है वहाँ पुल बनना था, क्योंकि कई लोगों को असुविधा होती है उनके जो बूढ़े हो जाते हैं या उनके टांगों से चला नहीं जाता सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी जाती और उनके लिए हमने एक पुल बना रहे हैं जिससे वो लोग पैदल जो है मंदिर जा सके, क्योंकि उस इलाके में जो 2 मंदिर हैं उनकी बहुत ही मान्यता है और बहुत प्राचीन मंदिर है, तो वो पुल भी हमने शुरू कर दिया है। और जो एक हमारे ऑफिस से पीछे से रास्ता जाता है वो भी वार्ड नंबर 3 को जोड़ता है 2 को जोड़ता है, वो भी बड़ी अच्छी सड़क बन रही है, वहाँ पे आने वाले टाइम में ट्रक बसें जो भी है वो सब तरह के व्हीकल जो हैं जा सकेंगे। और हमने गलियों के बहुत कार्य शुरू किए हैं, जैसे मैंने पहले ITI से लेके जो अवस्थी इंस्टीट्यूशन है वहाँ तक हमारी एक सड़क बनी है, फिर फ्रेंड्स कॉलोनी में एक सड़क का बहुत ही लोगों को प्रॉब्लम आ रही समस्या आ रही थी वहाँ पे, वो कार्य ठीक नहीं हुआ था पहले तो उसको हमने दोबारा से बनवाया है, जो सड़क है उस पर हम खुद जाके स्वयं उसको ध्यान दे रहे हैं कि उसमें अब कोई असुविधा ना हो लोगों को, उसकी जो है लोगों को पूरा फायदा हो सके। और ऐसे अन्य बहुत कार्य हैं जो हर वार्ड में शुरू किए जाएंगे और लोगों को सुविधा दी जाएगी, लाइटें कहीं कम हैं वहाँ लाइटें दी जाएंगी और यहाँ पे जहाँ पे कोई सड़क या स्पीड ब्रेकर चाहिए वो हर कार्य की ओर हम ध्यान दे रहे हैं। तो आज जो है सारे विकास कार्यों पर ही चर्चा हो रही है और जो हमारी आय जो है कहीं से कम हो रही है या जहाँ से हमारा पैसा वापस नहीं जा रहा है म्यूनसिपल पार्टी में उसकी ओर भी ध्यान देंगे। और अब
अपने शहर को हम एक और है, हम जो बाजार है हमारा प्रॉपर चौक से लेके मेन जो हमारा मेन गेट है वहाँ तक भी शीघ्र ही जल्द टाइलों का काम शुरू हो जाएगा, और मेन गेट से लेके गुरुद्वारे वाले तक जो है रोड है उस पर भी टाइलों का वर्क शुरू हो जाएगा। ये सारे टेंडर हमने लगा दिए हैं। तो जैसे जैसे हर मेरी तो यही कोशिश रहती है कि अपना अधिक से अधिक समय मैं नगर परिषद के कार्य में दूँ, और मैं दिन रात इसी कार्य में लगी हूँ। शहर में सफाई का बहुत अच्छा चला हुआ है, ये लोगों से आप सुनते ही होंगे, तो हम सफाई भी हर जगह ध्यान देते हैं। खुद जाके सवेरे और शाम में जाके देखती हूँ लोगों को सफाई के कारण कोई समस्या ना आए। पार्क में हमने काम लगाया हुआ है, टॉयलेट बना दिया है, और एक HRTC मार्केट है वो वर्कशॉप है जहाँ वहाँ पे एक मार्केट है वहाँ पे हमने टॉयलेट बनाया है। और पार्क का तो हमने वाइट वॉश करके वहाँ पे पेंटिंग करेंगे दीवारों पे, और हमने जिम का भी सोचा हुआ, वहाँ पे जिम के भी आ जाएंगे हमारे जितने यंत्र हैं, और उसके साथ ही वहाँ पे घास लगा के हमने जो है बच्चों के खेलने के लिए वो पूरी सुविधाएँ देंगे, और वहाँ पे हाई मास्ट लाइट भी लगेगी जिससे जो है बार बार जो लाइटें कभी ख़राब होती है जगह जगह पे तो एक अच्छी लाइट बच्चों को रोशनी मिलेगी जो बच्चे दिन रात वहाँ पे खेल सकें। तो एक अपना वार्ड नंबर 1 और 7 में रोड का कार्य था, अभी मेरा ख्याल कुछ है चर्चा की, अभी रुका पड़ा काम हो जी? नहीं रुका नहीं हुआ, 1 से 7 का लगा हुआ है। वो एक्चुअली क्या है, जो टाइल्स आ रही हैं वो चंडीगढ़ से आती हैं, NTC टाइल्स कहते हैं। अच्छा जी। उनकी डिमांड इतनी होती है कि वो बड़े मतलब मुश्किल से मिलती है, 3-4 महीने पहले ही उसके लिए बोलना पड़ता है। तो अब जहाँ जैसे जैसे टाइल्स आ रही हैं वो लगती जा रही है, और टाइलों का ये है कि बहुत ही उसकी जो है स्ट्रेंथ अच्छी होती है, इसलिए वहाँ पे वो टाइल्स लग गई हैं। और वो डिपार्टमेंट सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में जाती है, और एक ही फैक्ट्री है शायद वहाँ से, इसलिए जो है वो टाइलें जब जब आएंगी लगती जाएंगी और कार्य अच्छा होगा। वहाँ पे नालियों का, और वहाँ एक नाला है उसके लिए हमने अलग से टेंडर लगा दिया है, क्योंकि पहले पानी की समस्या आती थी कि घरों में जाता था या नालियों में सही जो है निकास नहीं था। तो वहाँ एक नाला है जहाँ पे सड़क बहुत कम चौड़ी थी, तो लोगों ने हमें जो आसपास घर है, दो एक रविंद्र ठाकुर जी का और एक सामने है, उन दोनों ने हमें थोड़ी ज़मीन अपनी छोड़ी है, उन्होंने कहा कि आप इस सड़क को चौड़ी करें जिससे वहाँ जो है ये गाड़ियाँ आराम से जा सके और लोगों को भी असुविधा ना हो। तो मैडम अभी बाजार का काम शुरू होने वाला जो सीवरेज का है, तो इसको कंप्लीट कर रहे हैं, इससे टाइम बोर्ड की है ठेकेदार से, क्योंकि परेशानी तो होगी लोगों को। टाइम बाउंड तो था पहले, कोई कोर्ट में केस चला हुआ था उसका, जहाँ पे टाइम जहाँ पे जाके ये खत्म होना था काम, पर अब जो है वो विचाराधीन है कोर्ट में केस, पर फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं जल्दी से जल्दी हो जाए जिससे हम लोगों को असुविधा ना हो। धन्यवाद। एन स्टार न्यूज़ के लिए नालागढ़ से मोहम्मद रफी की रिपोर्ट।